Good morning, my dear students. Welcome to this session for the living world. Okay. So myself, Satish Patel, again I am here to welcome all my dear students. So here, last time we have studied about the characteristics of a living organism, right? So in that case, we have already studied about the growth, reproduction, okay, then metabolism, and now the again one of the important characteristics of living organism, and that is consciousness. So what do you mean by consciousness? Consciousness ka meaning kya hota hai, right? Okay, consciousness ka simple meaning hota hai awareness, right? Yani ki hame pata hona chahiye, right? To ye wo jo awareness hai, right, uske bare mein hame seekhna hai. So the consciousness, right? So these characteristics, this feature we can consider, it's the most obvious, right? And it is technically complicated feature. यानी कि इस consciousness को हमें पता है कि सब living organism, all living organisms having such a feature, कौन सा consciousness? उस features को हम देख सकते हैं. ओके और समझना हो सो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट्स व्हाई वी कैन से द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट फीचर इज कॉन्शियसनेस. ओके सो हाउ कैन वी डिफाइन यानी कि कॉन्शियसनेस को कैसे समझेंगे. तो आप जानते हो यस द एनवायरमेंट दैट मीन्स द सराउंडिंग एरिया. ओके नाउ so in the surrounding area, in our environment, whatever the changes takes place, that means in temperature, in pH, in humidity, right, whatever the changes takes place in our environment, that changes we can ability to sense, hame pata chalta hai us change ko bare mein, right, ki temperature bada and ki increase hua ya decrease hua, that means ability to sense their surrounding environment, right? आपको भी पता चलेगा कि विंटर आएगा तो टेम्परेचर डाउन हुआ. यस वी कैन अंडरस्टैंड. ओके वैसे भी समर तो टेम्परेचर राइज हुआ. सो एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट वॉट एवर द चेंजेस अकर्स इन एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गिविंग अ रिस्पॉन्स टू इट. यानी कि उसके सामने हम एनवायरमेंट को क्या देते हैं रिस्पॉन्ड, राइट? तो रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई. स्टिम्युलाई दैट मींस एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई दैट मींस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाटएवर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन एनवायरमेंटल फैक्टर वेदर इट मे बी द टेम्परेचर पीएच ह्यूमिडिटी व्हाटएवर इट इज, राइट? सो व्हाटएवर द एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई that all environmental stimuli we can sense it, we can realize it, and according to that we are giving the response to environment now. So this is the basic fundamentals on which base we can understand the properties or the feature of all living organism, and that feature is known as consciousness. तो आपको पता है हर एक एनिमल्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हाट इज द प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ. ओके इन द वर्ल्ड दैट ऑल एनिमल्स फ्रॉम लोअर क्लास फ्रॉम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दिस environmental stimuli, and that feature is known as consciousness. Okay, now so whatever the sensation, whatever the ability to sense the environment and giving the response to environmental stimuli, it may be which could be in a three way, by physical, by chemical, in the form of a biological. For example, फिजिकल फॉर्म. तो हमें पता है कि कोई भी चीज
ओके, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के हिसाब से कोई ज़्यादातर हीटिंग इफेक्ट अपनी स्किन के कांटेक्ट में आएगा, तो वो कांटेक्ट की वजह से फिजिकली वी कैन सेंस अवर एनवायरमेंटल सिचुएशन, करेक्टेड. सो दैट इज द बायो फिजिकल वे वी सेंस दैट एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई. द सेकेंड वन इज द केमिकल फॉर्म. तो वॉट एवर द, फॉर एग्जाम्पल इन सराउंडिंग एरिया सम केमिकल्स विल बी रिलीज्ड आउट एंड बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन देयर विल बी अ फ्यूम्स सराउंडिंग अस. सो बिकॉज ऑफ द फ्यूम्स वी आर गेटिंग अ प्रॉब्लम इन अवर इनहेलिंग, इन अवर ब्रीथिंग. ओके, सो दैट इज वॉट बाय केमिकल वे वी आर गोइंग टू सेंस अवर सराउंडिंग सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट we give response now. And the biological, so fungal infection, bacterial infection, viral infection, see whatever these are the biological agent, okay, they are also present in our surrounding area, so that मतलब कि उनको भी हम sense कर सकेंगे, right? So this self consciousness, whatever the sensation we are giving or we are feeling about the environmental factors and I respond to this environmental situation, that may be, that could be physical way, chemical or a biological form. I hope understanding clear ho rahi right now. So my dear students, again we are going in detail that sense environment through our sense organ. So we know that we have a sense organ. So what are the sense organ? Tongue, nose, eyes, skin, okay? So these are what our sense organ. And with the help of these sense organ, we can, yani ki living organism can sense their surrounding with the help of sense organ. इसीलिए तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई हीटिंग इफेक्ट अपनी स्किन के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से वी कैन सेंस द सराउंडिंग एरिया और उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स देते हैं. ओके नाउ, सो हमने बोल दिया कि consciousness is the characteristics of all living organism from unicellular cellular to multicellular. Okay, so here the plants responds to their external factors. आपको पता है plants भी living things है, right? Living organism है, तो वो भी जो environmental के जो factors हो गए, environmental stimuli होगी उनके प्रति, right? वो response देते होंगे. तो देखते हैं plants respond to external factors we can consider the environmental factors like the light, that is the environmental factor, water, temperature, other organisms and pollutants also, some more you can add it. So these all are the example of external factors to which plants giving a response, yani ki unke samne plants response dete hain. चलो एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं. तो प्लांट्स गिविंग अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट, आपको पता है स्टोमाटा, दे आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल, अपर एपिडर्मिस एज वेल एज द लोअर एपिडर्मिस ऑफ अ लीव्स, राइट? ओके, एंड दे हेल्प्स इन अ वाइब्रेशन, राइट? नाउ देन, सो in the presence of light the stomata will be open. Okay, yani ki hum bolte during daytime stomata will remain open and during night time at that time there is no light, okay, and the stomata will be closed. All right, so this is what effect of light on the opening and closing of stomata of the plant leaves. Okay, so this is the plant's response to external
factors like the light. As well as we can also say that the effect of light in photosynthesis process, which takes place in plant leaves, this is also one of the example of effect of external factors like light on plants. As well as the water. Water is also necessary for the plant, we know that, right? Because of the growth and development, for the growth and development of a plant, plant require water, right? And because of that reason, whatever the region where the water is present, the plant roots will develop or grow towards the water region. यानि कि जमीन में जहाँ पे भी जिस और भी पानी मॉइस्चर्स होगा उस तरफ प्लांट्स की रूट की डेवलपमेंट ग्रोथ होती रहती है. तो वो क्या बताया, प्लांट्स ने पानी की और रिस्पॉन्स दिया. क्लियर? नाउ टेम्परेचर, वी नो दैट द प्लांट शोइंग इवापोरेशन, मैक्सिमम इवापोरेशन थ्रू स्टोमाटा, राइट, प्रेजेंट इन लीव्स, राइट. तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लांट्स ज़्यादा पानी को मतलब कि इवापोरेट करते हैं, तो वो क्या हुआ, प्लांट्स गिविंग अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द टेम्परेचर. वैसे ही अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट, डू यू नो द टच मी प्लांट, राइट. तो टच मी प्लांट को अगर हम कॉन्टेक्ट जस्ट कि उसको टच करते हैं तो वो क्या करते देते हैं, क्या देता है रिस्पॉन्स, यस, उसके लीव्स शायद करने लगते हैं, राइट. सो दिस इज वॉट प्लांट्स गिविंग अ रिस्पॉन्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. एंड द पॉल्यूटर्स, वी नो दैट बिकॉज ऑफ द हाई पॉल्यूशंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डज नॉट अकर इन प्लांट्स. ओके, तो आपको पता है कि पॉल्यूटेड एरिया में प्लांट्स इजिली ग्रो नहीं हो सकते, तो वो क्या दिखा रहा है, पॉल्यूटेंट्स के सामने प्लांट्स ने रिस्पॉन्स दिया बट वेरी लो, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट होती है, राइट. सो दीज आर द एग्जाम्पल बाई विच वी कैन अंडरस्टैंड प्लांट्स गिव देयर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स एज वेल एज वाटर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. ओके, नाउ so all organisms, whether it is unicellular or a multicellular, all organisms can sense and respond to environmental factors. इसीलिए तो हमने बोला है कि consciousness हर एक organism का properties यानी कि features है. okay, और यहाँ पे भी there is no any exception, यहाँ पे कोई भी exceptional case नहीं है, जैसा एक्सेप्शनल केस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में था, राइट. इसीलिए कॉन्सियसनेस इज ऑल्सो द कंप्लीट प्रॉपर्टीज, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसा मेटाबॉलिज्म था कंप्लीट प्रॉपर्टीज, वैसे भी ये कॉन्सियसनेस भी कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट. प्लीज कीप योर माइंड नाउ. So there is an effect of photopiriod on reproduction in seasonal breeders, whether it may be the plant seasonal breeders or it may be the animal seasonal breeders. Okay, now yani ki photopiriod ki effect reproduction pe hoti hai. Okay, kiske reproduction pe? Seasonal breeders living organisms. सीजनल ब्रीडर्स, प्लांट्स भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एनिमल्स भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं. तो हम देखते हैं सीजनल ब्रीडर्स दैट मीन्स व्हाट. अगर हम प्लांट्स के बारे में हम बोलेंगे तो दोज प्लांट शोइंग अ फ्लावरिंग इन अ स्पेसिफिक सीजन ओनली, सो दैट प्लांट्स आर नोन एज seasonal breeders, corrected. Okay, now and for animal, those animals showing their reproduction, okay, now they stimulate their reproduction and carry out the reproduction in a specific season only, that animals are known as seasonal breeders. For example, frog. So frog is
ready to get for a reproduction only in monsoon season. Okay, तो frog क्या हुआ? Seasonal breeders, यानी कि जो एनिमल सिर्फ स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है एनिमल। और ऐसे प्लांट्स के जो स्पेसिफिक सीजन में ही फ्लावरिंग फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उस प्लांट्स को भी बोला जाता है सीजनल ब्रीडर्स, राइट। तो ऐसे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है, उनकी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उस पर इफेक्ट कौन करता है? फोटो पीरियड, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय फोटो पीरियड? तो फोटो पीरियड का मीनिंग होता है फोटो दैट मींस लाइट एंड पीरियड दैट मींस द टाइम लिमिट। ओके नाउ, तो द लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन टाइम फॉर द प्रोसेस ऑफ अ रिप्रोडक्शन, that is known as photosynthesis. Okay, now if you consider for a plant, agar main plant ke bare mein bolu to plant ke bare mein photosynthesis ka definition kya bola jayega? To pata hai ki plant mein reproduction ke liye plant kya matlab ki karta hai? Flowering, because the flower is a reproductive organ. In that case, that is the one more male reproductive organ and female reproductive organ is there. Now so in the case of a plant, the definition of photopriate we can consider like this. The photo, that means the light, is required for a certain time for the flowering or for the flower formation. That time limit is known as photopriate, right. So aapko pata chal gaya agar plants ko जितना लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, अगर उतना लाइट नहीं मिलेगा उतने टाइम के लिए तो वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, फ्लावर नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा तो कैसे रिप्रोडक्शन कर सकेगा? सो दिस इज व्हाट इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियड ऑन रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन द केस ऑफ अ प्लांट एनिमल्स, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। ऐसे जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उस ऑर्गन को एक्टिवेट स्टिमुलेट रिप्रोडक्शन करने के लिए स्टिमुलेट होने के लिए उनको कुछ टाइम तक लाइट की जरूरत होती है। अगर उतनी लाइट उतने टाइम के लिए मिलेगी तभी जाकर वो किस प्रोसेस के लिए तैयार होते हैं? रिप्रोडक्शन। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से द इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियड ऑन reproduction in the case of seasonal breeders, it may be the plants or animals. Done. Now उसके बारे में आप आगे जाके सीखेंगे that longer day plants, short day plants and the neutral day plants, that's three types of the plants based on photopeer, right. We will discuss about that in a next standard in the case of plant. Now next, all organisms handle chemicals entering their body, yani ki pata hai ki har ek animals apni body mein jo enter hote hain chemicals to kya unko pata nahi hota? Pata hai, right. Aur wo waise hi chemicals ko enter karwayenge jisko unki zarurat hai, right. So all organisms handle chemicals entering their body, and that's why इसीलिए तो हम बोल सकते हैं कि animals, therefore all animals are aware of their surrounding. जो भी chemicals आएंगे वो कहाँ से आएंगे? Surrounding area से, और वही chemicals वो animals enter करवाएगा जिस chemicals की उस animals को जरूरत है, right? इसीलिए तो हम बोल सकते हैं कि all organisms are aware of their सराउंडिंग, यानी कि हर एक एनिमल्स को अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है, सराउंडिंग एरिया है, उसके बारे में पता होता है, अवेयर होते हैं वो एनिमल अपने आसपास के एरिया से। ओके, इसको हम बोलते हैं कि हर एक एनिमल्स अपने एनवायरमेंट से
जागृत होता है, राइट, जागृत दैट मीन्स अवेयर होते हैं, तो उसी प्रॉपर्टीज को हम बोल सकते हैं कॉन्सियसनेस, राइट, ओके, सो वी कैन से ऑल ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर द प्रेस एंड यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, दोस ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सच प्रॉपर्टीज, सच अ फीचर, व्हाट, कॉन्सियसनेस, ओके, एंड फॉर दिस फीचर्स देयर इज नो एक्सेप्शनल केस, सो वी कैन से इट इज अ कंप्लीट properties, complete feature of all the living organism. Correct it? Now the next, my dear students, one little bit different terminology, that is the self-consciousness. Self-consciousness, that means aware of himself. So only the human beings, okay? Only the human beings, यानी कि सिर्फ मनुष्य के पास ही क्या है सेल्फ कॉन्सियसनेस, बाकी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल्फ कॉन्सियसनेस नहीं होता, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कॉन्सियसनेस एंड व्हाई ओनली द ह्यूमन बीइंग्स हैविंग सच अ प्रॉपर्टीज, क्यों उसके पास ही अकेले पास है, सो ह्यूमन हैविंग अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, राइट, यानी कि उसकी नर्वस सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ह्यूमन बीइंग्स कैन एडजस्ट, कैन आइडेंटिफाई व्हाट एवर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द एनवायरमेंट इन अ वेरी स्पीडी वे, यानी कि मनुष्य ऐसा एनिमल है कि जिसका नर्वस सिस्टम वेरी डेवलप है और उसकी वजह से एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते उसको स्पीडली उसे पता चल जाता है कि यस बारिश होने वाली है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, टेम्परेचर डाउन होने वाला है, सो ये सारे चेंजेस है बहुत ही स्पीड से कौन पहचान सकता है, ह्यूमन बींग्स, राइट, बिकॉज ऑफ दैट वेल डेवलप नर्वस सिस्टम, राइट, और दूसरा ह्यूमन कैन मैनिपुलेट देयर सराउंडिंग सिचुएशन बाय यूजिंग अ डिफरेंट आर्टिफिशियल डिवाइसेस, यानी कि मनुष्य अपने आसपास की जो परिस्थिति है उसको बदल सकता है, कैसे, बाय यूजिंग अ आर्टिफिशियल डिवाइसेस जैसे कि एयर कूलर, नाउडेज बिकॉज इन द केस ऑफ समर टेंपरेचर बहुत बढ़ता है तो वो मनुष्य क्या करेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने आसपास एसी को लगा के टेंपरेचर कूल, मतलब कि कूल कंडीशन कर देगा, राइट, जिस दूसरे एनिमल्स कैन नॉट डू लाइक दिस, राइट, वैसे और बिकॉज ऑफ दिस रीजन और वो भी ह्यूमन स्पीडली, अगर स्पीडली सेंक्शन करता है तो स्पीड में एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन लेके सामने रिस्पॉन्ड भी इतना जल्दी कर सकेगा और ऐसी जो है कंडीशन, ऐसी जो मतलब की प्रॉपर्टीज है वो किसके बेस पे है, डेवलप नर्वस सिस्टम, और उस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सियसनेस। तो एक बात तो पता चल गया कि ओनली ह्यूमन बीइंग्स यानी कि सिर्फ मनुष्य के पास ही सेल्फ कॉन्सियसनेस है, राइट, बाकी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है, क्यों, क्योंकि मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम है, जिस नर्वस सिस्टम में हम मेनली CNS, PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके मेन टू पार्ट्स, राइट, ओके, ब्रेन वो सब और नर्व कोड, तो वो जो ब्रेन है वेरी डेवलप है, राइट, नर्वस सिस्टम वेरी डेवलप है, इसकी वजह से उनके पास सेल्फ कॉन्सियस है अपने बारे में, ओके, पास्ट देन करंट एज वेल एज द फ्यूचर को वो एडजस्ट, यानी कि उनके बारे में पता चल सकता है, उनको कैसे कैसे प्रिकॉशन लेने हैं, क्या करना है, दे कैन डू, राइट, नाउ so only human beings having aware of himself and his self consciousness. So यहाँ पे मैं एक sentence बोल रहा हूँ, consciousness is the property of all living organisms but self consciousness is the characteristics or the feature of only one human being, यानी कि सिर्फ self consciousness किसका feature है, human being, right, जब कॉन्सियसनेस हर एक एनिमल्स का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करैक्टरिस्टिक्स है,
Now, in the case of a human, we cannot going to define it. What is the meaning of life? So, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक पेशेंट है, राइट? वो हॉस्पिटल में है और कोमा की सिचुएशन में है, राइट? तो कोमा की सिचुएशन में है, वो बेड पे है पूरी हॉस्पिटलिटी में, और फिर उसको वो मशीन के थ्रू सपोर्ट दिया जा रहा है क्योंकि उसके लंग्स जो है, उसके जो हार्ट है वो अंडर कंट्रोल नहीं है. क्यों? क्योंकि वो कौन सी सिचुएशन में है? कोमा. तो उस ब्रेन कोमा, दैट मींस दोस पर्सन, ओके, दे लॉस हुज लॉस देयर मेमोरी, यानी कि जिसने याददाश्त गुमा बैठा है, राइट? उसके पास वो, उसको पता ही नहीं कि अब मैं कौन हूँ, राइट? मेरे रिलेटिव्स, उसका पास्ट, वो सब वो मतलब कि भुला चुका है. तो वो कोमा में जो है पेशेंट, राइट, वो हॉस्पिटल में सिर्फ सपोर्ट किसके आधार पर होता है? मशीन. जिस मशीन के हिसाब से उसका हार्ट और लंग्स सपोर्टेड, यानी कि लंग्स और हार्ट को बाय मशीन के थ्रू सपोर्ट दिया गया है क्योंकि उसका हार्ट और लंग्स अंडर कंट्रोल नहीं है. तो उसको बॉडी को सपोर्ट देने के लिए हार्ट और लंग्स के रिप्लेस में क्या रख दिया है वहाँ पे? मशीन. जैसे वो बेड में है, राइट, तो वो कोमा में है और पता है कि कोमा में गया हुआ आदमी नॉर्मल सिचुएशन में बहुत ही रेयरली आ सकता है. सो मेजोरिटी नॉर्मली हम बोल सकते हैं, वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में रिवर्स कभी आ सकता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो क्या हो चुका है? डेड. यानी कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है, इसकी वजह से ही वो कौन सी सिचुएशन में गया है? कोमा में, राइट? और अगर ब्रेन डेड हो चुका है मतलब कि नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुकी है. और अभी तो हमने बताया था बेस्ड ऑन डेवलप नर्वस सिस्टम ह्यूमन बीइंग हैविंग अ सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी. तो अगर इस आदमी का, इस बंदे का ब्रेन डेड हो चुका है, वो कोमा में हो गया हुआ है, तो वो क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस का फीचर्स उसके पास है वैसा बोल सकते हैं? नहीं. इसीलिए तो बोल सकते हैं कि इस आदमी का ब्रेन डेड है, इसीलिए नो सेल्फ कॉन्शियसनेस इन दैट ह्यूमन, यानी कि वो बंदे में सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाई नहीं देगी, राइट? वो फीचर्स उस इंडिविजुअल पे, उस पर्सन पे लागू अप्लाई नहीं कर सकते. क्लियर? नाउ सो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि ऐसा जो पर्सन होता है, ऐसा पेशेंट कि जो कोमा में गया है, उसका हार्ट और लंग्स का रिप्लेसमेंट मशीन से उसे सपोर्ट दिया जाता है, तो अभी उसका ब्रेन डेड है मतलब कि उसकी वजह से वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, इट डज नॉट कंजिस्ट, और एक मतलब कि उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है लक्षण, ओके, तो फिर उसको लिविंग माना जाएगा या नॉन लिविंग? वी कैन कंसिडर that person as a living or non-living, right? वो question NCERT में हमें पूछते हैं, तो we can consider that person, we can consider as a living. Living consider कर सकते हैं, right? उसकी सांसें चल रही है, all that, but we cannot consider that person consists or contains self-consciousness. यानी कि हम वो नहीं accept कर सकते कि वो पर्सन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम का फीचर है, बट ओनली वी कैन एक्सेप्ट वो पर्सन जिंदा है, राइट, ओके, बट उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस ऐसा फीचर नहीं है. क्लियर ऑफ यू? नाउ सो हियर वी हैव स्टडी अबाउट द कॉन्शियसनेस, ओके, एंड सम मोर सिचुएशन अबाउट दिस. दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो नीड पॉइंट ऑफ व्यू. Which organism having self-consciousness? Only the human beings and consciousness for all organism. Okay, so up to here we are going to stop the data. Now, tab tak, jai hind, jai bharat.